नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुपारी पाक के बारे में चर्चा करेंगे। जिन स्त्रियों को योनि से प्रदर बहता है, खून बहता है, जवानी में औरतें बूढ़ी लगने लगती हैं, बूढ़ी औरत को भी यह जवान कर देता है। कमर का दर्द, पीठ का दर्द, सिर में भारी रहना, हाथ पैरों में दर्द तथा हड उड़ रहना, किसी भी काम में मन न लगना आदि कई बीमारियों की एक ही है अमृत तुल्य दवा स्त्रियों के लिए है, जिसका नाम है सुपारी पाक। यह पाक अत्यंत बाजीकरण और पुष्टिकारक है। इसके सेवन से स्त्रियों की योनि से होने वाले सभी प्रकार के खूनी प्रदर नष्ट होते हैं और किसी भी प्रकार का खून का बहना, प्रदर का बहना नष्ट हो जाता है और स्त्री तथा पुरुष दोनों के बंध्यत्व दोष को नष्ट करके उन्हें संतानोत्पत्ति योग्य बना देता है। इसके सेवन से निश्चित रूप से किसी भी बंध्यात्व स्त्री को संतान होने के संकेत इसके कुछ समय से सेवन से ही दिखने लगते हैं। पुरुषों के शीघ्र पतन और शुक्रमेह रोग में यह अत्यंत गुणकारी है। यकृत की दुर्बलता को नष्ट कर पाचन शक्ति की वृद्धि करता है, गर्भाशय को शक्ति देता है और यौनि को संकुचित करता है। विशेष रूप से प्रसूता स्त्रियों के लिए यह अतिशय गुणकारी है। इसके सेवन से बूढ़ी स्त्री भी कांति और सुंदर होकर नवयुवती जैसी हो जाती है। प्रदर रोग के कारण स्त्री का स्वास्थ्य खराब रहता है। कमर, पीठ, गर्दन और सिर में दर्द रहना, सिर भारी रहना, हाथ पैरों में दर्द तथा हड़फूड़न रहना, किसी काम में मन न लगना, चिंता और कंफ्यूजन भ्रम बना रहना, आलस्य और असक्तता के कारण शरीर क्रश और मुरझाया हुआ सा, काला एवं कांतिहीन असुंदर रहना आदि लक्षण रहते हैं। युवावस्था में ही वृद्धा जैसी दिखने लगती हैं। ऐसी स्थिति में सुपारी पाक का कुछ समय तक निरंतर सेवन करने से प्रदर रोग नष्ट होकर उपरोक्त सभी लक्षण मिट जाते हैं। शरीर में स्फूर्ति एवं बलवर्ण तथा सुंदरता बढ़कर नवयुवती जैसी हो जाती है। वास्तव में यह औषधि महिलाओं के लिए दैविक वरदान स्वरूप अमृत तुल्य गुण करती है। सुपारी पाक कपूर, तज, तेजपात, नागरमौथा, सूखा पुदीना, पीपल, खुरासानी अजवाइन, छोटी इलायची, तालिशपत्र, वंशलोचन, जावित्री, सफ़ेद चंदन, काली मिर्च, जायफल, सफ़ेद जीरा, बिनौले की गिरी, लौंग, सूखा धनिया, पीपला मूल, नीलोफर का फूल, सूखा सिंगाड़ा, शतावर, नागकेशर, खिरनी के बीज, बादाम की मिगी, पिस्ता की मिगी, मुनक्का बिना बीज का, सुपारी, शहद, गाय का घी आदि के मिश्रण से यह सुपारी पाक निर्मित किया जाता है। सुपारी पाक 10 से 20 ग्राम तक सुबह शाम गाय के दूध के साथ सेवन करने से अत्यंत लाभ करता है। सुपारी पाक कई प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों द्वारा निर्मित किया जाता है, जो कि आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स अथवा ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।